उस्मान भाई के ब्लॉग देखा करो। गॉड का गॉड वाले टॉप भाई हैं। गॉड गॉड वाले तेरी उम्र है, उम्र है तुझे किसी से बात करने का। इधर आ के अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खरीद और ऑफिस होंगे। आज हम हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम थोड़ी मस्ती उस्ती करेंगे। आज हमारे यहाँ पे जमरात बाज़ार लगते हैं, वहाँ जाएंगे थोड़ा सा दानिश भाई शॉपिंग करनी है अपनी शादी की। तो अभी हमारे साथ दो जो है ना नए शहजादे मौजूद हैं और एक अयान भाई भी मौजूद है। मेरा छोटा मुन्ना गायब हो गया जब से वो फेम में आए। तो दानिश भाई कहाँ चल रहे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा अरस भाई कहाँ चल रहे हैं आज? अच्छा 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 अयान को इधर, अयान क्या कहेगा? उस्मान भाई के ब्लॉग देखा करो यार। आजकल आप हमारी वीडियो में क्यों नहीं आते? इसका भाई है, इसके अबू का नाम अल्ताफ हुसैन है। लंदन वाले अल्ताफ भाई नहीं है, कराची वाले अल्ताफ भाई है। सही है, अल्ताफ नाम है ना आपके अबू का नाम? गोट वाले यार। अच्छा अयान, आपकी बाइक चोरी हुई थी यहाँ से, तो बाइक किसने चोरी की थी? कौन है? काके ने की थी। काके ने, काके ने चोरी की थी। दो बच्चे बैठे में किसके पास आए हो? ये यार हमारे वो लोग देखा करो, हम लोग यूट्यूब पे आते हैं। ठीक है चलो ओके ओके। ये देखो ये नाफे चिप्स कर रहे, पकड़ा गया। ये देखो ये साहब कौन है? ये असमैन है। अच्छा केले के लिए चिप्स कर रहे नाफे। हालत चेक करो इसकी, चेक करो हालत इसकी। ट्यूशन नहीं गया? आया। कितने बजे आए हो? तू भी आया? मैं बजे भी नहीं है। काटना आपने जो बनाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो भाई? देखो भाई ये देखें, ये जो है ना नाफे चिप्स खा रहे हैं। हालांकि इनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है चिप्स नहीं खाया करो, लेकिन ये फिर भी खा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। अगर ऐसे घरेलू वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज भाई समझाओ इसको। सारे कजन भी आए हुए, पैसे कौन देगा? भाई फाइनली हम लोग डिगोड बाजार में पहुंच गए। ये जमरात बाजार है, तो हम आपको पूरा विजिट करवाते हैं। दानिश भाई चलें फिर बाजार का विजिट करवाएं। अरस भाई जी आज आपको बाजार का विजिट कराते हैं और इसको हम शादी की शॉपिंग करवाते। चलो 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 आ जाओ। अच्छा ये बाजार है भाई जमरात बाजार, ये पहले ग्राउंड के अंदर लगता था, इसकी हिस्ट्री बता दूँ अब जो है। अच्छा भाई देखें, अब ये जो है ना रोड पे लगता है और इसकी वजह से जो है ना यहाँ रोड भी बड़ी डिस्टर्ब होती है। पहले आपको पूरा बाजार का विजिट करवाते हैं। क्यों दानिश भाई? पहले बाजार का विजिट कराते हैं, ये मेन रोड है, तो उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। ये देखें भाई ठेले वाले लगे हुए हैं यहाँ पे। ये 60 रुपये दे रहे हैं देसी लहसुन, 60 रुपये पाओ। ये खिलौने वलौने, देखें ये रोड डिस्टर्ब होती है बहुत ना यहाँ पे। ये देखें आप ये चूड़ियाँ मुड़ी भाई, दाने चूड़ियाँ ले ले अपनी बेगम के लिए। भाई चूड़ी किस तरह है? भाई दाने भाई की शादी है माशाल्लाह, तो चूड़ियाँ मुड़ियाँ। चलो आगे आगे पहले देखते फिर आते हैं वापसी में। आता है भाई वापसी में। अच्छा अंगूर शंगूर केले वेले सेब। हाँ भाई केले कितने के दे रहे हैं? फ्री के? हाँ फ्री के दे दे आंटी को आप दे। हाँ भाई पहले किस तरह दे रहे हो? 100 रुपये का है दो बंडल। 100 रुपये का दो बंडल है। ये वो मलीर नदी वाली है, मेमन कोट, मेमन कोट, मेमन कोट। अच्छा अच्छा ये भाई केले बेच रहे, केले बेचो भाई घोट हो गया। ये देखिए भाई कपड़े वपड़े। हाँ भाई ये अदरक किस तरह दे रहे हो यार आप भाईजान? अदरक किस तरह किलो है? चल चूटा। अच्छा वैसे यार आप बात एक बात को नाराज तो नहीं हो गए यार? रेड लिस्ट नहीं लगाई भी आप लोगों ने यहाँ पे? किसी ने भी रेड लिस्ट नहीं लगाई? पाकिस्तान में नहीं लगाए थे, सब पे कर्फ्यू नाफिज कर। अच्छा खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। चलो कर्फ्यू नाफिज करते सब पे। ये भाई ये सामान बेच रहे, ये चप्पल वप्पल है। अब लेने तुम्हें कबब भी देख ले भाई। मैंने अब अपनी गाड़ी पे कपड़ा देख लो, वो वाले ले लो, वो बहुत बड़े पूरी कप पी लोगे भाई। ये कपड़े अपने लगे हुए जाने, कपड़े किसके? लंडे के कपड़े हैं ना ये? जी हां लंडे, सब लंडे, सब लंडे। चलो खैर है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए लंडे ही है मेरे भाई। हुकूमत ने इतना निचोड़ कर दी महंगाई का, तो क्या करें।
ये ओए के लिए ये अपरिंदा ले ले अपनी बेगम के लिए ले 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 चलो चलो ये भाई ने कपड़े लगाए हुए भैया ने अस्सलाम वालेकुम क्या ठीक है भाई ठीक हो भाई कारोबार सही चल रहा है सही चल रहा है कारोबार चलो अल्लाह पाक आपको इस्तकामत दे यार ये गन्ने वाले भाई समझ में नहीं आती से कितना छीलते हैं ये पोनी वाले भाई हैं आप अपनी बेगम के लिए पोनी ले ले दाने ले ले दानिश दानिश भाई महंगाई तो बहुत है ना जी भाई बहुत है यार महंगाई बहुत है हर्ष भाई यार ये चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए एक तो इनके पास लिस्टे विस्टे भी नहीं है लिस्टे विस्टे भी नहीं है हाँ भाई किस तरह दे रहे हो ये फूल गोभी अच्छा एक बात बताओ यार भाई नाराज तो नहीं हो गए ये लिस्ट क्यों नहीं लगाई हुई आप लोगों ने किसी ने भी बाजार के अंदर लिस्ट नहीं आती कमिश्नर ऑफिस से यहाँ भी नहीं आती चलें ठीक है भाई भाई प्याज 150 रुपये किलो भाई तुम्हारा प्याज है ये क्या करें आप चलो आपको जो है ना पूरा विजिट करवा रहे हैं आप जमरात बाज़ार का अच्छा ये मेन रोड पे लगा हुआ इस वक्त ना चलो अब यहाँ पे बाज़ार जो है ना एंड हो गया था ना भाई अब चलो उस तरफ चलो चलो आ जाओ ये हमारी पुलिस भी आई हुई माशाल्लाह सिक्योरिटी दे रही है सिंध पुलिस लेकिन थाने की नहीं है ये पता नहीं किस लिए आए हैं समझ से बाहर है चलें अभी हम उसी पट्टी पे आए दानिश भाई अच्छा अभी ये हम आ गए सेब वाले पोर्शन में ये सेब अब लगे हुए अच्छा ये चूड़ियाँ उड़ी हैं ये कपड़े ये बर्तन बर्तन लगे हुए भजन अच्छा ये छुरी वुरी छुरी मारो दानिश के पेट में अच्छा आज हम लोग ना वालेकुम सलाम आज हम आपको ना जहाँ पूरा जो है डिगोर्ड कैंट बाज़ार का जो जुमरात बाज़ार लगता है उसका पूरा विजिट करवा रहे हैं आपको भाई कैसे हैं आप करवा सही चल रहे हैं अच्छा यार ऐसे आप क्या बोलना चाहोगे यार कि आप रोड पे लगा रहे हो परेशानी तो बहुत हो रही है आप लोगों को परेशानी बहुत हो रही है पहले ये ग्राउंड में लगता था आप क्या रिक्वेस्ट करोगे गवर्नमेंट से कि भाई ग्राउंड में ये लगना चाहिए अच्छा भाई एक बात बताओ सच बताना आप यहाँ बैठे हुए हो किन किन लोगों को आप देते हो यार किसी को नहीं देते आप अच्छा कोई KMC कोई DMC कोई पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं है अच्छा चलो ठीक है अच्छा अच्छा अभी हम लोग जो है ना दूसरे पोर्शन में आए हुए तो ये आपको पूरा दिखा रहे हैं जुमरात दानिश भाई अपने बच्चों के लिए गाड़ियाँ ले लो छोटी छोटी गाड़ियाँ बड़ी बड़े बच्चे कपड़े हैं जब दानिश के बच्चे होंगे तो ये कपड़े लेगा कंगे वंगे लेगा अच्छा आओ अंकल से पूछते हैं अंकल अस्सलाम वालेकुम अंकल अस्सलाम वालेकुम सही चल रहा है कारोबार आपका दाल रोटी चल रही है आप क्या कह रहे हो गवर्नमेंट से यार पहले लगता था जुमरात बाजार ग्राउंड के अंदर तो अब बाहर लग रहे क्या बोलेंगे अभी रिक्वेस्ट करेंगे क्या फायदा मुझे बताओ क्या फरियाद करें ठीक बाबा बड़ा परेशान है कह रहे क्या फरियाद करें चलें अब ये सामने गुजारे मदीना मस्जिद है भाई ये क्या बेच रहे हैं ब्लीच बेच रहे हैं एक इसके मुंह पे भी लगा ब्लीच ये बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को यार अब क्या कहना चाहोगे यार आप लोग रोड पे आ गए हो पहले जुमरात ग्राउंड के अंदर लगता था परेशानी तो बहुत होती होगी आपको रोड के अंदर लोग डिस्टर्ब करते होंगे आपको मसला छोड़ो यार हमारे को तो पता है यार आप क्या कहते हो गवर्नमेंट को यार आपको एक जगह दी जाए प्रॉपर ग्राउंड के अंदर ना ताकि आपका रोजगार अच्छा रहे ना मेरा कहने का मकसद ये देखो रोड पे बहुत पंचायत हैं कभी पुलिस से लेके तंग की है रोड जाम हो रही है कभी क्या हुआ आपको ग्राउंड जगह मिल जाएगी प्रॉपर किस्म की ना पब्लिक को भी खुशी होगी सही है भाई हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से यार इसको जो है ना प्रॉपर जो है ना ग्राउंड के अंदर लगा दी इनकी परमिट दी जाए यार इनको यार हमारी आवाम भी ना डिगरोड की बहुत खुश होगी क्योंकि यहाँ पे डिगरोड की आवाम भी आती है और नाता खान गोड की आवाम भी आती है सिद्धार्थ कॉलोनी की आवाम भी आती है बहुत डिस्टर्ब होते हैं यहाँ पे तो प्लीज़ इनको जो है ना एक प्रॉपर जगह दी जाए अच्छा ये कपड़े पोर्शन है भाई दानिश के बच्चों के कपड़े ये देखें भाई अब ये बाज़ार आहिस्ता आहिस्ता चले अब वहाँ तो ख़त्म हो गए अब चलते हैं पीछे भाई ये कलेश हो गया भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में भजन ना रोड आपकी है ना रोड इसकी है आप भी अपनी रोजी करो और ये भी रोजी करेगा अपनी ठीक है खान साहब आप भी खड़े हो वो भी खड़ा होगा ये रोड किसी की भी नहीं है कलेश चल गया भाई इस भाई का और छोले ले भाई का छोले भाई को समझ में नहीं आ रही समझाया उसको लेकिन समझ में नहीं आ रही उसको
जो एक क्लेश हो गया भाई का आपस में, चले अल्लाह सबको हिदायत दे भाई, चलो अच्छा भाई। ये देखे आपको आज हमने पूरा विजिट करवा दिया डिग रोड का, डिग रोड बाजार का, और यहाँ पे रोडें भी डिस्टर्ब होती हैं, मामला भी बड़े ख़राब होते हैं। ये देखें आप, ये हमारा जो है डिग रोड कंड बाज़ार का हफ्ता जो सॉरी जुमरात बाज़ार है, जुमरात बाज़ार। तो देखें कितना रश है, चकाचक आवाम आई हुई, क्या करें यार, गवर्नमेंट कोई फैसिलिटीज नहीं देती आवाम को, तो आवाम बेचारी पर इधर ही आती है, यही बाज़ार वाज़ार है आवाम के लिए, हम गरीब आवाम के लिए, और क्या करें। और ये भी हमारी गवर्नमेंट जो है ना बंद कराने के चक्करों में होती है, इस गवर्नमेंट को क्या बोलें, इस गवर्नमेंट को बस अल्लाह ही हिदायत दे भाई। ये देखें भाई रोड जाम हो गई है, ट्रैफिक भी जाम हो गई है। अच्छा भाई आज का व्लॉग का मकसद हमारा ये था कि दानिश भाई के साथ, आरस भाई के साथ हम लोग आए, आज हमने जुमरात बाज़ार एक्सप्लोर करवाया पूरा आपको ना। देखो ये एक मैसेज था, ये व्लॉग हमारी थी, व्लॉगिंग थी, थोड़ी लाइफ बिजी हो गई है, व्लॉगिंग हम इसी वाले से बनाते ताकि आप लोगों को एक शौर आए, कुछ समझ में आए क्यों आरस भाई व्लॉगिंग। तो लोग बहुत से कहते हैं कि हम घर में चाय पी रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम धमकाना कर रहे हैं, हम टट्टी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे नहीं बोलना मादर साहब, हमने व्लॉगिंग में जो है ना आपको एक एक्सप्लोर करने की जगह, कोई भाई चाय अच्छी बनाता है, कोई भाई बर्गर अच्छा बनाता है, किसी का हेल्प हो सके हमारे इस व्लॉग से, हमने वो चीज़ को आपको एक्सप्लोर करना है। अब जुमरात बाज़ार जो है तकरीबन जो है ग्राउंड के अंदर लगता था, फिर कुछ मामला ऐसे हुए कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है ये बाज़ार बंद करवा, जुमरात बाज़ार बंद करवा दिया, अब ये जुमरात बाज़ार रोड पे लगता है। यार मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, ये गरीब खुरकर लोग हैं यार, मिडिल क्लास की फैमिली है, इनके गुजर बसर इस बाज़ार से होता है, तो कैंडी इस बाज़ार को प्रॉपर एक जगह दी जाए, ताकि ये देखो अभी रोड पर बाज़ार लग रहे, इससे रोड भी जाम होती है, ट्रैफिक भी जाम होती है मगर के बाद, और लोगों को बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, कसूर बाज़ार वालों का भी नहीं है भाई, मैं कहता हूँ एक कहता हूँ कि एक जो है ना प्रॉपर वे में जो है ना बाज़ार को जगह दी जाए ग्राउंड के अंदर, ताकि सिर्फ हफ्ते की एक बात है यार जुमरात बाज़ार लग जाएगा, जो गरीब आवाम है हमारी गवर्नमेंट वैसे भी, तो हमारी गवर्नमेंट जो है वैसे भी गवर्नमेंट हमारी पब्लिक को कुछ फैसिलिटीज़ नहीं देती महंगाई बहुत अरूज पे, तो एक जुमरात बाज़ार होता है, बाज़ारों में सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, लोग अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो लगता है हमारी यही अपील है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि कैंडी जुमरात बाज़ार जो डी रोड के अंदर लगता है, इसको एक प्रॉपर जगह दी जाए। क्यों आरिस भाई, सही बोले गलत बोले? सही बोला, प्रॉपर जगह दीजिए। और जो दानिश भाई हैं हमारी बैक से हमारी वीडियो बना रहे हैं दानिश भाई, तो यही मैं आपसे अपील करूंगा कि प्लीज़ जुमरात बाज़ार को जो है ना एक प्रॉपर जगह दीजिए। हमारी लोगों से बात हुई तो बड़े परेशान हैं, कहते हैं पुलिस वाले डिस्टर्ब करते हैं, कैमरे में कोई नहीं बोलेगा, वो डरते हैं यार, देरी सी बात है, कैमरे में कोई नहीं बोलता। ठीक है, तो भाई पुलिस भी डिस्टर्ब करती है, फिर केएमसी वाले आते हैं, फिर डीएमसी वाले आते हैं, फिर टाउन वाले आते हैं, पैसा अलग लेते हैं, फ्रूट अलग लेते हैं, सब्ज़ी अलग लेते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, क्यों, वो उनकी मजबूरी है ना, उनको भी देने पैसे। तो लिहाजा यही है कि यार इस ग्राउंड को जो है ना ग्राउंड में प्रॉपर बता के जगह दी जाए, ताकि गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा, जो हमारे स्टॉल होल्डर्स बनिए उनको भी फ़ायदा होगा, अवेयरनेस दी जाए। फिर हम मिलेंगे एक नए व्लॉग, एक नए व्लॉग के साथ। और दानिश भाई सही बोला मैंने गलत बोला? भाई बिल्कुल सही कहा यार, ठीक बोला ना? जी जी बिल्कुल ठीक है आरएस भाई, सही बोला गलत बोला? बिल्कुल आपने सही बोले, इसी तरह होना चाहिए ना जी। तो भाई बस ये बोलूंगा कि भाई प्लीज जो है ना यार के जगह दी जाए जुमरात बाजार को। फिर हम मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, शेर उस्मान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।